So in today's class, we will discuss the third reaction intermediate. Reaction intermediate, आप carbocation and carbanion तो जानते ही हो ना? Yes or no? Yes. इतना तो आप पढ़ चुके हो ना कि ये है reaction intermediate. Third reaction intermediate जो आज हमको पढ़ना है, that is free radical. मतलब especially हम इसमें पढ़ रहे हैं, ये है third number का. इसमें हम पढ़ रहे हैं फ्री रेडिकल, राइट? सबसे पहली बात कि ये बनता कैसे है, ये बहुत जरूरी है. तो देखो यहां पर बॉन्ड्स का अगर हम देखें, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका फॉर्मेशन भी देखेंगे. अच्छा, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट बेसिकली आपने कौन कौन से देखे हैं. कार्बोकेटायन देखा है, कार्बेनायन देखा है, यस और नो? यस मैम. नहीं करना. थर्ड नंबर का हम देख रहे हैं फ्री रेडिकल. तो बिफोर स्टार्टिंग इट, सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताऊंगी क्लीवेज ऑफ बॉन्ड. हाउएवर ये शायद मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर में भी बताया था क्या? हाँ मैम, मतलब थोड़ा सा. कोई बात नहीं, अपन फिर से देख लेते हैं. देखो क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यस और नो? यस मैम. यस मैम. अब यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है तो देयर इज वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मैं एक काम करती हूँ, कार्बन कार्बन नहीं लेती हूँ, ए और बी मैं दो एटम ले लेती हूँ, राइट? है ना. सपोज दैट ए और बी के बीच में देयर इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यस? ठीक है. अब ये बताओ कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जल्दी जल्दी आंसर दो बेटा. म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बी का होगा और एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा, राइट? यस और नो? यस मैम. यस मैम. अब अगर इसका क्लीवेज ऐसे हो कि भाई ये बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास रह जाए और ए का इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाए, ए के पास आ जाए, मतलब ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो गया और बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो गया, राइट? यस और नो? तो यहां पर क्या होगा, ए के पास एक फ्री रेडिकल फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और बी के पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, यस और नो? जल्दी जल्दी आंसर दो. Yes, यहां जो ये जनरेट हुआ, ये क्या जनरेट हुआ, फ्री रेडिकल. क्या जनरेट हुआ? फ्री रेडिकल. यस और नो? वेट अ मोमेंट, आया समझ में कि नहीं आया? क्या जनरेट हुआ? Free radical. और ये जो बॉन्ड का क्लीवेज था, इट इज होमोलिटिक क्लीवेज और होमोलिटिक फिशन. व्हाट इज इट कॉल्ड? होमोलिटिक फिशन और होमोलिटिक क्लीवेज. होमोलिटिक इसलिए बोला कि इसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास चला गया, बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास आ गया. इज दैट क्लियर? Yes or no? फर्स्ट जो हमारा क्लीवेज है वो कैसा है, होमोलिटिक क्लीवेज है. इज दैट क्लियर? पक्का? एक और ऐसा देखते हैं. देखो सेकंड नंबर हम देखते हैं, ए और बी के बीच का ही बॉन्ड मैं ले रही हूं, ठीक है. और यहां पर क्या होता है कि ये बी का इलेक्ट्रॉन है और ये किसका है, ए का इलेक्ट्रॉन. अब इसमें क्या होता है कि बेईमानी होती है, ये पूरा का पूरा शेयर्ड पेयर बी के पास चला जाता है, राइट? अब बताओ ये जो मैंने सर्कल किया इसमें बी के पास चला गया, तो ए तो ठनठन गोपाल हो गया क्योंकि ए का इलेक्ट्रॉन भी बी लूट के ले गया. जल्दी जल्दी आंसर करो. यस मैम. शेयर्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन ए का था और एक इलेक्ट्रॉन किसका था, बी का था, लेकिन बी ने क्या किया, ए का भी इलेक्ट्रॉन लूट गए, लूट ले गया. तो ए पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव. पॉजिटिव. बी पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव. तो इस तरह के क्लीवेज से यहाँ पर क्या जनरेट हुआ, यहाँ पर जनरेट हुआ कैटायन और ये क्या जनरेट, एनायन. यस. एंड इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज हेटरोलिटिक फिशन. क्या बोलते हैं इसको? यस मैम, हेटरोलिटिक. अभी यहां तक किसी बच्चे को डाउट?
हेलो नो मैम नो मैम के बच्चे जवाब दें है ना नो मैम हेट्रोलिटिक फ्यूजन और हेट्रोलिटिक क्लीवेज. अब ये बताओ कि ऐसा कब होगा, होमोलिटिक कब होगा? होमोलिटिक फिशन तब होता है जब ए और बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, राइट? मींस उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा डिफर ना कर रही हो, लगभग सेम हो, यस और नो? ठीक है. लेकिन अगर ए और बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जल्दी रिप्लाई कर. शेयर्ड पेयर. तो यहाँ पर डेफिनेटली ऐसा तभी होगा. ऐसा यहाँ पर इसलिए हुआ कि हम ये बोल रहे हैं दिस वन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, यस, और ये कैसा है, जल्दी बोलो, लेस. और यहाँ बराबरी का, बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हुआ? तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, ए और बी की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज आर कंपेरेबल. कंपेरेबल इसलिए बोलते हैं कि डिफरेंस तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है. आया या नहीं आया? डन? पक्का? हेट्रोलिटिक फिशन तब होगा व्हेन देयर इज लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यस, है ना. तो हेट्रोलिटिक फिशन में क्या होता है, देयर इज लार्ज डिफरेंस. हाँ भाई बच्चा पार्टी, यस, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. और होमोलिटिक में तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंपेरेबल होती है. अब एक और चीज, होमोलिटिक में अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंपेरेबल है तो डेफिनेटली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का. तो होमोलिटिक फिशन के लिए जो एनर्जी लगती है वो कैसी होगी और हेट्रोलिटिक के लिए कैसी होगी, कोई बता सकता है लॉजिकली? इक्वल एनर्जी. तो इक्वल में मतलब हाई और लो. इट रिक्वायर्ड कैसा, हाई एनर्जी राइट. और ये कंपैरेटिवली लेसर हाई, हाउएवर इसको हाई लो दोनों लग सकता है, इसके लिए कोई डिफाइंड नहीं है, लेकिन होमोलिटिक के लिए तो भाई ज्यादा ही लगेगा. आया या नहीं आया समझ में, यस और नो? यस मैम. तो सिंपल सी बात है, हम ये बोल सकते हैं कि फ्री रेडिकल्स कैसे जनरेट होते हैं, बाय, जल्दी बोलो, होमोलिटिक फिशन, यस और नो? यस, है ना, पक्का? तो अब हमको देखना है कौन सा कार्बन फ्री रेडिकल देखना है, यस, चलो, है ना. अब देखो कार, हेलो, हाँ बच्चों, कोई डाउट? यस मैम. पूछो. नो मैम, नो मैम. हो गया क्लियर, है ना. अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्बन फ्री रेडिकल, जो कि हमको स्पेशली ऑर्गेनिक में वही पढ़ना है ना. तो देखो, कार्बन फ्री रेडिकल का मतलब है कार्बन पर क्या आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, यस. इट इज जस्ट लाइक दैट, कार्बन हैज वन फ्री इलेक्ट्रॉन. अब जरा हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं. कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फोर होते हैं. तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है, जल्दी बताओ? फोर में से ये थ्री इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लेता है, यस और नो? यस, है ना. और ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा फोर्थ वाला, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया. ये कैसा इलेक्ट्रॉन हो गया? फ्री रेडिकल. और ये बाकी के जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसने किसमें कन्वर्ट कर लिए, किसमें कन्वर्ट कर? कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड. तो ये कैसा हो गया, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यस और नो? पक्का? अब मुझे बताओ, यहाँ जो कार्बन का फ्री रेडिकल बना, इसमें कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? मैं यहाँ बना देती हूँ, अब आप मुझे बताना. बताओ, जो मैंने बनाया दोबारा से बताती हूँ. कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चे, जल्दी? फोर में से उसने कितने शेयर कर लिए? थ्री. दूसरे एटम के साथ कर लिए यहाँ पर, यस और नो? यस. अब मुझे बताओ, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया,
अब यहां पर अपन देखते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ कार्बन, जल्दी बताओ। फोर। फोर, फोर नहीं है बेटा, काउंट करिए बच्चे, सेवन है। वन टू, शेयर्ड पेयर है ना, देखो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, सेवन। वैलेंस शेल हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, सेवन। सेवन इलेक्ट्रॉन है ना, किसके, कार्बन के, यस और नो, ठीक है। कभी भी गलती से मतलब फोर या वो मत बोलना। दूसरी बात, दूसरी बात, ऑक्टेट कंप्लीट है और इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट, ठीक है। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, प्रिसाइज का मतलब होता है जितने एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो प्रिसाइज हो जाएगा, यस। तो ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब एक और चीज मुझे ये बताओ कि जब फ्री रेडिकल बना था तो एटम के ऊपर कोई चार्ज आया था, यहाँ पे कोई चार्ज आया था इनके ऊपर, बताओ? नो मैम, कोई चार्ज नहीं आया था, है ना? क्यों? क्योंकि इन्होंने किसी को लूटा थोड़ी था, या इनको कोई लूट के नहीं ले गया था। चार्ज तो तब आता है जब डकैती होती है ना, जब डाकू डाका डालता है। यहाँ बी ने किसको लूटा, ए को लूटा, तो बी के ऊपर भी चार्ज आया और ए के ऊपर भी चार्ज आया, यस और नो? लेकिन फ्री रेडिकल में तो कोई लूटा पार्टी हुई नहीं है, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, यस और नो? ठीक है, तो बताओ कोई चार्ज आएगा क्या? No. नहीं आएगा। No, तो फ्री रेडिकल No, कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और चार्ज स्पीसीज, जल्दी बताओ। एकदम न्यूट्रल, न्यूट्रल, यस। आ गया, ये फ्री रेडिकल की क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक हो गई। फोर बताओ क्या क्या, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, और इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और चलते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होगी या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। ये कैसी स्पीसीज है, पैरामैग्नेटिक, ओके, समझे बच्चा पार्टी? ठीक, अब अपन बात करते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की, ये भी इम्पोर्टेंट है ना, हाइब्रिडाइजेशन, ये हमको पता होना बहुत जरूरी है। ऑफ सी, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, कैसा होता है sp2, मींस जिस कार्बन पर फ्री रेडिकल ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन कभी भी sp3 नहीं होता, कैसा होता है, जल्दी बोलो, sp2। अगर अपन इसका ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम बनाएंगे तो कैसा होता है, ये रहा कार्बन, ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यस, अच्छा नहीं बना, समझ में आया या नहीं आया? Yes, और ये सब हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये किसी दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या बनाए हुए हैं, शेयर्ड पेयर बनाए हुए हैं, यस और नो? अच्छा, मैं हाइड्रोजन ही बना देती ना तो ज्यादा बेटर है, एक मिनट। ये सपोज दैट हाइड्रोजन के साथ यहां पर क्या बनाया हुआ है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यस और नो? अब बारी आती है जो फ्री इलेक्ट्रॉन था, फ्री इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, यहां पे, ये रहा। तो अब जरा यहां पर हम लिखें, तो जो 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, यस और नो? अरे बोलो yes. भाई yes. 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 Yes, हाँ, वॉइस लैग हो रही है क्या? नो मैम। कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल में, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ओके। और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो किसमें है बेटा, इट इज प्योर पी ऑर्बिटल, यस और नो? यस। फ्री इलेक्ट्रॉन इज इन प्योर पी ऑर्बिटल, यस। आया या नहीं आया समझ में? तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी
हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं होगा। और अगर आपको याद हो तो मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन के टाइम पर भी आपको बताया था कि इसमें सिग्मा पी कॉन्जुगेशन होता है। यस और नो, पक्का? यस। ठीक है, तो ये है फ्री रेडिकल। अब आता है इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर, राइट? डन? हाँ या ना, कोई दिक्कत? यस मैम। अच्छा, सेकंड पॉइंट एक बार बता दीजिए। कौन सा सेकंड पॉइंट? फ्री इलेक्ट्रॉन इज इन प्योर पी। हाँ, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन मैंने क्या बताया? sp2। तो तीनों शेयर्ड पेयर sp2 में चले गए ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल। यस यस मैम। तो एक p बचा कि नहीं बचा? p में तीन ऑर्बिटल होते हैं ना बेटा। यस मैम। तो वो प्योर बच गया, अनहाइब्रिड बच गया। प्योर p का मतलब होता है अनहाइब्रिड। ओके मैम। और कोई डाउट? नो मैम। डन, चलो आगे बढ़े, है ना। देखो अब एक्चुअली ये तो मैंने सिंगल बॉन्डेड बता दिया। ये कौन सा हो गया? ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। कार्बन के अराउंड क्या है? ओनली सिंगल बॉन्ड है, पक्का है ना। अभी जरा अपन डबल बॉन्डेड की तरफ भी देख लेते हैं। पैरामैग्नेटिक, ओके बिल्कुल बेटा। इसीलिए मैंने पूछा था कि केमिकल बॉन्डिंग का आइडिया थोड़ा बहुत है कि नहीं है, और नहीं है तो आप ऐसे ही बीच में से मुझसे डाउट पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है ना। देखो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज वो होती हैं विच हैविंग एटलीस्ट वन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिनके पास कम से कम एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। एक्चुअली यहाँ पे दो तरह की स्पीसीज होती है, मैं साइड में लिख देती हूँ, आप चाहो तो कॉपी में एज ए शॉर्ट नोट लिख लेना, उसको मैं इरेज कर दूंगी। टू स्पीसीज होती है, कौन कौन सी होती है बच्चों? एक होती है डायमैग्नेटिक। यस डायमैग्नेटिक में क्या होता है? देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सारे कैसे होते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके और सेकंड स्पीसीज होती है पैरामैग्नेटिक। तो इसमें एटलीस्ट हमको एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है अपर्णा? यस मैम। है ना, अभी मैं एक एग्जाम्पल भी देती हूँ। देखो मैं यहाँ पर ना दो वो ले रही हूँ, एलिमेंट ले रही हूँ, बहुत सिंपल एलिमेंट। जैसे अगर हम देखें, वैसे O2N2 का लूंगी तो शायद दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अगर हम ले जैसे मैं नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6, राइट। अब देखो, यस मैम, 1s2 में ये दो इलेक्ट्रॉन, ये कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसे लिखना आता है ना बच्चे की? नहीं आता? आता है ना? तो बेटा आप बताओ, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? नो मैम। तो ये कैसा हो गया? डायमैग्नेट। और अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन राइट 2p4, तो 2p4 में कैसे जाएगा? हुंस रूल लगाएंगे ना, हुंस रूल लगाएंगे ना। यस मैम। पहले सिंगली फिल्ड करो, तो यहाँ पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखे कि नहीं दिखे? यस मैम। तो ये कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक, समझे? थैंक यू मैम। डन, आगे बढ़े। यस मैम। ठीक, तो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज वो, मैंने जल्दी रब कर दिया, बट कोई बात नहीं, आगे मैं रखूंगी वो नोट। एक्चुअली प्रिंट करने में दिक्कत हो जाएगी, आप तो बस इतना छोटा सा लिख लो, है ना, डायमैग्नेटिक स्पीसीज एंड पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। ओके, तो अब मुझे बताओ ये कैसा है, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक है ना। ओके, है ना, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब डबल बॉन्डेड कार्बन की अगर हम बात करें, मतलब अगर ऐसा ले रहे हैं, ठीक है, यहां पर H है, सपोज दैट ऐसा कुछ है। अब इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, तो कोई बच्चा मुझे बताएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मैम शायद किसी का म्यूट ऑन है, तो वो वॉइस बहुत हार्श आ रही है। मैं म्यूट कर, मैं वो कर देती हूँ, रुको, माइक ऑन है तो मैं म्यूट कर देती हूँ। लो नहीं, लेकिन मैं म्यूट
गया, मैंने म्यूट कर दिया सबको। अभी कोई अनम्यूट करके देखना आपने आपको एक बार। हेलो हेलो हाँ बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? नहीं हाँ sp2 नहीं होगा बेटा जो आंसर देता है। उसी का तरीका बता दूं, कार्बन के अराउंड सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, जितने सिग्मा बॉन्ड वही हाइब्रिडाइजेशन। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है बताओ? एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर हो गया, यस और नो, और एक तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया? sp आया कि नहीं आया बच्चा? ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। कार्बन के अराउंड अगर आपको किसी भी इंटरमीडिएट में हाइब्रिडाइजेशन देखना है तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, सबसे बेस्ट वे है। आया? यस मैम। है ना, तो ये मैं बिल्कुल सिंपल, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए तो हम इसको बिल्कुल ब्लाइंडली अप्लाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अराउंड, तो वो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ओके ठीक, कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। नो मैम। नो मैम। अब हम, हाँ कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। अब हम आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर। ओह सॉरी, कार्बोकैटायन ने फ्री रेडिकल। देखो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो उसमें हम रेजोनेंस लेते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन लेते हैं, है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो एरोमेटिसिटी तो इसमें होगी नहीं, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई? सबसे पहले रेजोनेंस। अगर आपको याद हो तो मैंने कार्बोकैटायन और कार्बेनायन में स्टेबिलिटी के फैक्टर कैसे अप्लाई करने आपको सीक्वेंस में लिखवाया है। किसी को याद है? सबसे पहले एरोमेटिसिटी है उसमें, यस एरोमेटिसिटी, और कार्बेनायन के केस में एरोमेटिसिटी है, रेजोनेंस है, एस कैरेक्टर है, और जहां पे कॉन्ट्राडिक्शन है वो सारी चीजें भी बताई हैं कि नहीं बताई मैम? प्लस मैम। तो वो सारे पॉइंट हमको देखने हैं, है ना। तो सबसे पहले इसमें एरोमेटिसिटी नहीं होती, इसमें एरोमेटिसिटी में से पहले अपन ले लेते, सबसे पहले रेजोनेंस ले लेते हैं, और नेक्स्ट हम क्या ले लेते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। बेसिकली यही 2 फैक्टर आते हैं, यस और नो, आया या नहीं आया? पक्का है ना? तो कोई डाउट यहां तक? अब देखो, तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहला होगा 3 डिग्री बेंजाइलिक। अच्छा एक मिनट, मैं एक चीज बता दूं, ये बच्चों को पता होना चाहिए, बेंजीन रिंग पर जो ये कार्बन लगा होता है, ठीक है, अल्फा कार्बन लगा होता है ना, ये जो कार्बन लगा होता है ना, इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक। मैं लिख देती हूँ पर्टिकुलरली, आपको शायद बेंजाइलिक, बेंजल और बेंजोटम भी नहीं पता होगी, है ना, नहीं पता ना? नो मैम। कोई बात नहीं, देते हैं, ये नोमेनक्लेचर का पार्ट है। इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं बेटा? बेंजाइलिक, अल्फा कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, यस, है ना। अभी भी हम अल्फा ही लेंगे, ध्यान से देखना बच्चे जो मैं बोल रही ना, ध्यान से देखना, अल्फा कार्बन ही लेंगे, लेकिन अब यहां पर हम एक ही हाइड्रोजन रखेंगे। यहां पर कितने हाइड्रोजन रखे हैं? 2, है ना, और यहां पर कितना हाइड्रोजन रखा है कार्बन पर? 1 हाइड्रोजन। इट इज बेंजल। व्हाट इज इट कॉल्ड? बेंजल। पता चाहिए किसी एक आध बच्चे को तो पता होगा। एक्चुअली पता तो होगा, याद नहीं है। और ये बेंजो, व्हाट इज इट? बेंजो। डन, ओके। तो ये अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है देन इट इज बेंजो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। अब जब हम बेंजाइलिक की बात करते हैं तो बेंजाइलिक का मतलब होता है कि रिंग के ऊपर कोई भी चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, किस कार्बन पर आएगा?
बेंजाइलिक कार्बन पे, यस और नो? ठीक है, है ना? तो यहां पर अगर ये लगा हुआ है इस कार्बन पर, ये हमारा हो गया बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। हाँ बेटा, मैम आपने जो स्टेटमेंट बोली अभी वो रिपीट कर दीजिए। कौन सा वाला बोला था? कार्बन पे चार्ज नहीं, मैंने ये बोला था बेंजाइलिक इंटरमीडिएट मींस चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द बेंजाइलिक कार्बन। ओके, मैं लिख दूं बेंजाइलिक इंटरमीडिएट, कई भी ये टर्म आती है, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, बेंजाइलिक कार्बेनायन, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, कोई भी टर्म आ सकती है। तो बेंजाइलिक इंटरमीडिएट का मतलब होता है कोई भी आइदर चार्ज, अगर हम देखें तो चार्ज ऑब्लिक फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकता है ना ऑन बेंजाइलिक कार्बन। इज दैट क्लियर? यस। कोई डाउट? एनीबॉडी हैज डाउट? जल्दी बोलो। नो मैम। है ना, तो इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक। अब हम आते हैं, देखो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल अगर हमको देखना है तो डेफिनेट सी बात है जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो बेंजाइलिक कार्बन पर होगा, है ना बच्चे? यस मैम। तो देखो यहां पर हो गया, अब इसकी भी डिग्री हो जाएगी, ये 3 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, यस और नो? अगर इसमें यहां पर भी पीएच का मतलब बेंजीन रिंग हो गया तो ये क्या कहलाएगा? 3 डिग्री बेंजाइलिक, यस और नो? अब मैं हर बार बेंजीन नहीं बना रही हूं, ये कैसा हो गया बताओ? 2 डिग्री और पीएच और सिंपल सी एच टू कर दिया, ये कैसा हो गया? 1 डिग्री, है ना? इसको हम बेंजो भी बोल सकते हैं क्योंकि इस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते इसको, बोल हम सकते। क्या बोल सकते हैं? बेंजल भी बोलते हैं। तो इसको हम 3 डिग्री बेंजाइलिक और बेंजो भी बोलते हैं, 2 डिग्री बेंजाइलिक और बेंजो भी बोलते हैं, या 1 डिग्री बेंजाइलिक। ओके, यस और नो? अब हम स्टेबिलिटी देखें तो प्राइम फैक्टर रेजोनेंस है, सबसे ज्यादा रेजोनेंस इसमें ही होगी बेंजो में, यस और नो? तो मोस्ट स्टेबल कौन सा हो गया? 3 बेंजीन रिंग लगी है, ये मोस्ट स्टेबल, यस और नो? फिर रेजोनेंस सबसे ज्यादा होगा ना, जल्दी जल्दी बोलो बच्चा पार्टी। हाँ भाई, क्या बात है? और ये 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। अब यहां पर एक्सेप्शनली ये आगे आ जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला, ड्यू टू 9 हाइपर कॉन्जुगेशन। ऐसा कार्बोकेटाइन में भी हुआ था, ठीक है? कार्बोकेटाइन में भी ये एक्सेप्शनली आगे आया था, क्यों? क्योंकि इसके पास 9 अल्फा H होते हैं, ठीक है? किसी को याद है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर? यस मैम। नहीं याद? नहीं देखा ना? देखा है। तो अगर आपको याद हो कि ये 1 डिग्री बेंजाइलिक से ये आगे आया था, ये कैसा था 3 डिग्री, ये कैसा है 2 डिग्री, और ये कैसा है 1 डिग्री, यस और नो? यस मैम। ठीक है, हाँ या ना? यस मैम। हाँ बेटा, बोलो। उसके बाद नॉर्मल 3 डिग्री एलाइलिक अपन ले सकते हैं, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और लास्ट में 1 डिग्री, ठीक है? यस। कार्बोकेटाइन में बस 3 डिग्री डेल्टा, उससे 3 डिग्री एलाइलिक। हाँ, वो भी बता रही, डोंट वरी, वो भी बता रही, डोंट वरी, है ना? पहले एलाइलिक तो बता दूं। जैसे बेंजाइलिक होता है वैसे ही एक कार्बन होता है एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है? डबल बॉन्ड का जो अल्फा कार्बन होता है इसको हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, राइट? व्हाट इज दैट? अरे बोलो बच्चो। भाग गए, सब भाग गए या सो गए? गुड मॉर्निंग, कौन सो रहा है?
एक कोई बच्ची बाहर वेट कर रही है जिसकी रिक्वेस्ट नहीं आई थी. बताओ कौन सो रहा है? जागिंग. नेहल इज जागिंग. हु इज स्लीपिंग एंड हु इज जागिंग? जयादित्य स्लीपिंग और जागिंग? यश विश्वास जागिंग और स्लीपिंग? जागिंग जागिंग. अरे जॉगिंग मत करो यार, जागिंग करो. अच्छा गुड इवनिंग हो गई, चलो ठीक है. तुषार, श्रेयांशी, शिवानी, सौम्या, सौम्या जागिंग और स्लीपिंग? जागिंग मैम. जागिंग. 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 विश्वनाथ जागिंग और स्लीपिंग? विश्वनाथ आजकल बात ही नहीं करता है, क्या बात है? अरे ये किसने स्लीपिंग का भेजा इमोजी? विश्वास ने है. स्लीपिंग वेरी गुड. ये योनिंग कर रहा है विश्वास. रुद्र, पुष्पक, नीति, नितेश, खुशी, करण, चैतन्य जागिंग जागिंग. हाँ अथर्व, अर्षिता, अपर्णा जागिंग ना. हाँ सोना नहीं है. हम जागिंग जागिंग जागिंग. हाँ जागते रहो, जागना बहुत आवश्यक है. नहीं तो किस्मत सो जाएगी. हाँ जागते रहो. ठीक है. सो एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है बेटा, जल्दी जल्दी बोलो. धूम मच जानी बेंजाइलिक बेंजीन रिंग का अल्फा कार्बन होता है, वैसे एलाइलिक होता है डबल बॉन्ड का अल्फा कार्बन. अच्छा अब इस पर भी अगर कोई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल आएगा तो वो कॉन्जुगेशन में आएगा कि नहीं आएगा डबल बॉन्ड के? यस और नो, है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? पॉजिटिव ऑब्लिग निगेटिव ऑब्लिग फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन एलाइलिक कार्बन विल बी इन रेजोनेंस, यस और नो? और विल बी इन कॉन्जुगेशन, हा या ना? यस मैम. कॉन्जुगेशन विद व्हाट? डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा कि नहीं होगा? और जब वो कॉन्जुगेशन में होगा तो उसमें रेजोनेंस भी होगा. जहां कॉन्जुगेशन है वहां रेजोनेंस तो होगा ही ना. इन कॉन्जुगेशन विद सी डबल बॉन्ड सी, तो रेजोनेंस पॉसिबल है, हाँ या ना? जल्दी बोलो. रेजोनेंस इज पॉसिबल राइट? और अगर रेजोनेंस पॉसिबल है, इफ रेजोनेंस इज पॉसिबल देन फॉर स्टेबिलिटी हम रेजोनेंस का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, यस और नो? तो यहां पर क्या होगा कि हम यहां पर, अब मैं परफेक्ट ऑर्डर लिख रही हूं, सबसे पहले हम लिखेंगे 3 डिग्री कौन सा वाला, देखो बेंजाइलिक, उसके बाद 3 डिग्री एलाइलिक. इक्वली होते हैं लगभग, एक्चुअली रेजोनेंस लगभग सेम होती है. ठीक, तो यहां पर परफेक्ट ऑर्डर क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले 3 डिग्री बेंजाइलिक, उसके बाद मैं एलाइलिक डाल देती हूं, राइट? हाँ या ना? 3 डिग्री एलाइलिक, यस? ठीक है. अरे बोलो. इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, 2 डिग्री एलाइलिक, राइट? है ना. इसके बाद नंबर किसका आएगा, इसके बाद हाइपरकॉन, 9 हाइपरकॉन्जुगेशन वाले का आएगा. ओके, कार्बोकैटायन में भी ऐसे ही आया था, बस एरोमेटिसिटी का नहीं आएगा बच्चे इसमें, है ना, क्योंकि एरोमेटिक नहीं होते हैं. डन. और इसके बाद लास्ट में किसका नंबर आएगा, लास्ट में नंबर आएगा 1 डिग्री बेंजाइलिक, यस? हाँ भाई बच्चा पार्टी बोलो. yes. और उसके yes. बाद फिर आ जाएगा ये 1 डिग्री एलाइलिक. ठीक है बच्चा पार्टी, है ना. और इसके भी बाद में अगर हम देखें तो मैं पूरा लिख दे रही हूं ना, यहाँ पे नीचे आ जाएगा. यहाँ पे अब हमारा नॉर्मल 3 डिग्री, मतलब मैं आर लगा दे रही हूं, ये आर मिथाइल नहीं होना चाहिए बस. अगर आर मिथाइल हो गया तो ये यहां पर पहुंच जाएगा, तो यहां आर की जगह आप CH3 नहीं लगाएंगे, राइट?
तो CH3 को छोड़ के आप कोई भी लगा दीजिए। हाँ बोलो बेटा, कोई डाउट? कोई बता सकता है मैंने क्यों बोला कि RCH3 मत लगाओ? बता सकता है कोई? अगर R की जगह CH3 लगा दिया तो यहां वाला केस बन जाएगा। ये कौन सा केस है? ये कौन सा है? 9 हाइपर कॉन्जुगेबल एच है ना इसके पास। yes, ma'am. तो यहां पर आ जाएगा, तो 9 से कम होने चाहिए, राइट? तो R की जगह आप CH3 मत लगाओ, ओके? ठीक, इसके बाद कोई भी R लगा लो यहां पर, तो ये नॉर्मल 2 डिग्री, ठीक है बच्चे? फिर लास्ट में ये नॉर्मल 1 डिग्री, ठीक? हाँ या ना? तो ये नॉर्मल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इट इज स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ व्हाट? जल्दी बताओ, फ्री रेडिकल। डन, तो आप याद भी कर सकते हो, 3 डिग्री बेंजाइलिक, 3 डिग्री एलाइलिक, 2 डिग्री बेंजाइलिक, 2 डिग्री एलाइलिक, फिर 9 हाइपर कॉन्जुगेबल एच, 1 डिग्री बेंजाइलिक, 1 डिग्री एलाइलिक, एंड लास्ट में 3, 2, 1। हाँ भाई बच्चा पार्टी, किसी को कोई डाउट? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? जल्दी बोलो, सब सो रहे हैं, जागो। हाँ मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, कहाँ से करूँ? यहाँ से और ऊपर करूँ? राइट हैंड साइड कर, यहाँ पे ऐसे, वे ऐसे, एक मिनट रुको ना, लो पूरी स्क्रीन देखो। डन डन? यस सर। ओके, हाँ बताओ बच्चों, कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोलो। नो मैम। नो मैम। बिल्कुल क्लियर, क्या बात है, इतने अच्छे बच्चे हो गए हैं कि सब कुछ क्लियर हो गया। तो सवाल क्या बात है यार, इतनी जल्दी, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतनी अच्छी केमिस्ट्री तुमको कब से लगने लगी, इतनी इज्जत अफजाई केमिस्ट्री को देने लगे हो तुम लोग, हैं? मैम जब से आप पढ़ाने लगे। अबे चमचो मक्खन मत लगाओ, हो गया? चलो देखते हैं, देखते हैं, चलो पढ़ो, आगे बढ़े बेटा, चलो। अब देखो, अगर हमको, अब अपने एग्जाम्पल कर लेते हैं, बेंजाइलिक का मैं बाद में बताऊंगी, तो अगर हम नॉर्मल सा एग्जाम्पल इसके देखें, बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग मुझे बताना क्या ऑर्डर होगा, मैं तो ऐसे ही रैंडम लिख रही हूँ, आप लोग मुझे बताना, ठीक है? देखें मेरे बच्चे कितना बता पाते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, ठीक है बच्चा? हाँ भाई बच्चा पार्टी, कुछ लग रहा है दिमाग कि नहीं लग रहा? जल्दी बताओ, अरे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही मेरी? ए बी सी डी ई, आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस और नो? बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस, हमारी स्क्रीन गड़बड़ हो गई थी शायद, है ना, वो नहीं आ रही, चलो। ओके, तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, बताओ ऑर्डर लगा सकते हैं? देखो कैसे लगाएंगे मैं बता रही हूँ, ये बताओ कहीं पर इसमें रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन दिख रहा है फर्स्ट वाले में? जल्दी बताओ। ओके, नहीं दिख रहा ना, तो ये नॉर्मल है, और नॉर्मल कौन सा डिग्री है जल्दी बताओ मुझे? 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन पर है ना? अरे बोलो भाई। यस मैम। अब अरे बोलो यार, तुम बोलोगे तो मैं। हाँ मैम। हेलो मैम। अब सेकंड वाले में बताओ, रेजोनेंस है क्या? नो मैम। नहीं, ये नॉर्मल 3 डिग्री है, ठीक है, इसमें रेजोनेंस है? यस है ना। टू डिग्री विद रेजोनेंस प्लस आर लिख देती हूँ, है ना, रेजो लिख देती हूँ, कॉन्जुगेशन में ना वैसे एलाइलिक है, मैं उसको एलाइलिक लिख देती हूँ, देखो डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में, तो एलाइलिक लिख दूं? Yes, ma'am, लिख। है ना, तो इसको अपन जो है एग्जैक्ट वही लेके चलते हैं, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री एलाइलिक, राइट? अब ये बताओ इसकी डिग्री बोलो, 3 डिग्री एलाइलिक, एलाइलिक
एलाइलिक और ये कैसा है नॉर्मल वन डिग्री एलाइलिक तो नहीं है ना नो मैम अब बताओ विच वन इज मोस्ट स्टेबल जल्दी बच्चा पार्टी डिग्री के बाद सी सी के बाद नंबर आएगा बी का बी एंड आफ्टर बी ए ए और लास्ट में ई गया डन यस मैम यस मैम वेरी सिंपल है ना अब और ले लेते हैं हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ये हमारा नंबर वन हो गया था नंबर टू ले लेते हैं समझ में आ रहा है यस मैम ओके अब यहां पे कहीं पर रेजोनेंस नहीं है है ना नहीं है ना है क्या बताओ जल्दी नो मैम वन टू थ्री नंबर ही डालती हूँ ये वन नहीं एबीसीडी डालती हूँ जल्दी जल्दी बताओ आप मुझे बताओ मैं नंबर डाल रही हूँ ए बी सी डी ई जरा क्लासिफाई करें अपन फटाफट हाँ ये कैसा कौन सा डिग्री है थ्री डिग्री इट इज टू डिग्री वन डिग्री तो सब मोस्ट स्टेबल तो नो डाउट थ्री डिग्री होगा है ना थ्री डिग्री हाइपर कॉन्जुगेबल एच देखते हैं बताओ इसके पास कितने हाइपर कॉन्जुगेबल एच हैं एट देखो कैसे थ्री इधर है और टू इधर है ना इसमें कितने थ्री इधर है थ्री यहाँ पर कितने हैं थ्री और वन राइट यहाँ पर कितना है ओनली वन यस और नो यस मैम यस और यहाँ पर कितना है टू बस अगर नॉर्मल है रेजोनेंस नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेबल एच काउंट करो ऑर्डर लगाओ फटाफट कोई टेंशन की बात ही नहीं है जल्दी बताओ जिस किसमें सबसे ज्यादा दिख रहे हैं बी मैम बी बी के बाद आफ्टर बी ए देन ए हाँ आफ्टर बी ए एंड आफ्टर ए सी बताओ क्या डाउट है किसी को कोई डाउट नो मैम नो मैम सिंपल है ना नाउ अब हम आते हैं बेंजाइल स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक फ्री रेडिकल अब हमको देखना है बेंजाइलिक फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइलिक फ्री रेडिकल ओके मींस बेंजाइलिक फ्री रेडिकल पर कोई ग्रुप लगा हुआ है ओके देखो बच्चों ये बेंजीन रिंग है हाँ या ना yes, और ये इसका अल्फा कार्बन और इस पर फ्री रेडिकल मैं ऊपर लगाती हूँ सॉरी नीचे मैंने लगा दिया तो वो अच्छे से नहीं हो पाएगा देखो और अब हम इस पर लगा रहे हैं कोई ग्रुप जब भी ऐसे ग्रुप लगाया जाए तो ये ग्रुप ऑर्थो पे भी हो सकता है पैरा पे भी हो सकता है मेटा पर भी हो सकता है तीनों जगह की पॉसिबिलिटी है ना तो ये जो ग्रुप है ये इसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है अफेक्ट करता है ना तो हम यहां पर देख लेते हैं कौन सा इफेक्ट अगर हम ग्रुप के बारे में बात करें इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा कौन सा डिक्रीज करेगा तो देखो ग्रुप का हम ये बोलेंगे प्लस एम इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट स्टेबिलिटी प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट स्टेबिलिटी यस एंड माइनस एम माइनस आई क्या होंगे जल्दी बताओ
इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है? यस सॉरी डायरेक्टली लिख दिया. माइनस एम माइनस आई क्या होंगे? दे आर, जल्दी बताओ, प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. हालांकि इसमें जो है ना बहुत ज्यादा माइनस एम और माइनस आई वाला फैक्ट काम नहीं करता, क्योंकि वो ग्रुप कभी कार्बो फ्री रेडिकल बनाते ही नहीं है, राइट? बनाते ही नहीं है, तो इसमें ज्यादा नहीं है. इसमें बेसिकली हमको हाइपर कॉन्जुगेशन वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा देखना है. कौन सा ज्यादा देखना है? हाइपर कॉन्जुगेशन वाला. ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन का. ओके, तो देखो सब इम्पॉर्टेंट यही है जिसको मैं ब्लॉक में कर दे रही हूँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन के टाइम पे बताया था ये पॉइजन ऑफ कोबरा, इसकी एप्लीकेशन बड़ी सेलेक्टिव है ना. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है. देखो, अगर ये फ्री रेडिकल है, ठीक है, और इसके मैं यहां पर लेकर आ रही हूं हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें लगा रही हूं CH3 लगाया, यहां मैंने CH2CH3 लगाया, और यहां मैंने CH CH3 ट्वाइस लगाया है एक्चुअली. और लास्ट में मैंने लगाया CCH3. अब बताओ अगर हम हाइपर कॉन्जुगेबल एच देखेंगे तो यहां पर 3α H है, यस और नो? पक्का? हाँ भाई बोलो. Yes, 3α H है. यहाँ पर कितने हैं? 5 है कि 2 है? 5 2 है. ये अल्फा कार्बन तो एक ही होगा ना, वो तो बीटा हो गया ना, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा हो गया. हाँ मैम, सॉरी मैम, बीटा हो गया. तो यहाँ पर 2α H है, यहाँ पर 1α H, और यहाँ 0. अब मुझे बताओ किस में हाइपर कॉन्जुगेशन मैक्सिमम होगा? फर्स्ट वाले में. ए बी सी डी अगर बोले तो किस में मैक्सिमम होगा, जल्दी बताओ? ए में. तो ए इज मोस्ट स्टेबल, देन बी, देन सी, देन डी. आया या नहीं आया समझ में? कोई डाउट? जल्दी बोलो. नो मैम. नो मैम. आया? डन? यस मैम. यस मैम. अब देखो, अब इन्हीं ग्रुप्स को हम मेटा पे लगा लेते हैं. यही ग्रुप मैं कहां लगाती हूं? मेटा पे लगाती हूं. इज इट मेटा पोजीशन? हाँ भाई बच्चा पार्टी. यस मैम. ये हो गया CH2CH3. And it is CH3 twice. And last में हम सारे H हटा देंगे. अब ये बताओ, hyper conjugation is present at meta position? Yes. Mesomeric effect और hyper conjugation तो meta position पर present नहीं होते, है ना? तो यहाँ पर हमको ये it is A, B, C. देखो ये याद रखो, मैंने आपको नोट लिखवाया था, एच एंड एम इफेक्ट भूला आर एब्सेंट एट मेटा पोजिशन. नहीं पढ़ाना, भूला ना? हाँ बच्चा, याद था. अच्छी बात है, वेरी गुड, शाबाश. नहीं तो मैंने कहीं ना कहीं पे तो भी बताया ही है. स्पेशल एप्लीकेशन शीट मैंने वही रखी है, ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, मीजोमेरिक, और ये सब मैंने बताया तो है कि मेटा पर नहीं होता.
बताया था, कहीं ना कहीं तो बताया, ऐसा तो मैं छोड़ ही नहीं सकती। किसी को याद है? एम इफेक्ट यही दिख रहा है कि मेटा पर एब्सेंट होता है, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। नहीं याद तो बोलो। याद है मैम, याद है। बस फिर काहे को टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपन, है ना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन और मीजोमेरिक, ये तो मेटा पर नहीं, तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन तो नहीं लगेगा, अब तो इंडक्टिव लगेगा, यस और नो। तो सबका प्लस आई लगेगा, हाँ या ना? पक्का डन? अब इसमें किसका प्लस आई मैक्स? हाँ बेटा मैम, वो डी वाले में सी सी एच थ्री होल प्राइस आएगा। हाँ मैम, ऊपर वाले में भी था, ऊपर वाले में भी था, ऊपर वाले में मैं, हाँ ऊपर वाले में मैंने नहीं लगाया, सॉरी, तभी तो अल्फा okay, तीन सी एस थ्री थे, ओके सॉरी, थैंक यू, डन। चलो हाँ बताओ, अब इसमें किसका प्लस आई मैक्सिमम होगा बच्चे? इसका प्लस आई मैक्सिमम और इसका प्लस आई मिनिमम, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन स्टेबिलिटी देखें तो डी मोस्ट स्टेबल, फिर सी, फिर बी और फिर ए। यस और नो? यस। ये एग्जांपल कितने बच्चों को समझ में आया? क्या डाउट है बोलो, जल्दी बोलो। यस हाँ, एनी, पूरी क्लास शांत हो गई, नहीं आया क्या समझ में? आ गया, आ गया। आ गया मैम। तो मेटा पर इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, और इंडक्टिव इफेक्ट तो थ्री डिग्री का सबसे ज्यादा होता है ना, यस और नो, है ना। तो वो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, इज दैट क्लियर? अरे बोलो भाई। हाँ मैम। हाँ बोलो, कोई डाउट है भव्या? नो मैम। है ना, तो ये है बेसिकली फ्री रेडिकल। ज्यादा डिटेल में वो नहीं होता, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है फ्री रेडिकल का। एक जनरल ऑर्डर है डिग्री के अकॉर्डिंग, और बेंजाइलिक का है वो मैंने आपको बता दिया, ओके। अदरवाइज इसमें जैसे अपन कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन में डिफरेंट ग्रुप लगा के करते हैं ना मेटा पैरा पर, वो ज्यादा केस इसमें कंसिडर नहीं होते, क्योंकि वो सब फ्री रेडिकल बनाते ही नहीं है, बहुत कम बनाते हैं। इज दैट क्लियर? हेलो, यस, है ना। अब हम आते हैं कुछ और रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिनका नाम सुना होगा आज। चलो रिएक्शन इंटरमीडिएट तो पूरे ही हो जाएगा, सुना है किसी ने? हाँ बेटा मैम, बेसिकली जो है ये सब यूज होंगे ना, जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगा उसका, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में यूज होगा। ओके मैम, ठीक है, सब यूज होंगे। हेलो एल्केन में यूज होने हैं, तभी पढ़ा रही, नहीं तो क्यों पढ़ाती? मतलब तुम ऐसा क्यों डाउट कर रहे हो, बिना यूज के कैसे पढ़ा दूंगी भाई। अब एक और इंटरमीडिएट है, ये अभी तो नहीं यूज होगा लेकिन आगे यूज होगा, कार्बीन, ठीक है? हाँ बेटा। कार्बीन प्लस आई इनवर्सली होता है डायरेक्टली? कहा मैंने प्लस आई इनवर्स, माइनस आई इनवर्स है तो प्लस आई डायरेक्ट है। ये लो। नो मैम, मैं पूछ रही हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ये लो प्लस आई, ठीक, ओके। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है ना बेटा कार्बो फ्री रेडिकल, कैसी है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना बेटा, तो प्लस आई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है ना, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा ना। कोई डाउट? यस। फ्री रेडिकल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो कोई भी स्पीसीज जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा वो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, बताओ? इंक्रीज करेगा मैम। तो प्लस आई इंक्रीजेस, और कुछ? नो मैम। चलो अब अपन आते हैं कार्बीन। कार्बीन एक्चुअली वैसे तो कहीं नहीं है, लेकिन एल्कीन के एडिशन में कार्बीन बनते हैं, तो बहुत एक ही रिएक्शन में यूज हमको करना है इसको। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि कार्बीन बेसिकली ये होता है CH2 विथ टू इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं कार्बीन, ठीक है। ये कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। अच्छा ये बताओ, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, जल्दी मुझे बताओ? सिक्स। तो ये डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे,
किसी को समझ में आया सिक्स कैसे हैं? देखो ये हाइड्रोजन के साथ दो शेयर्ड पेयर हो गए और दो इलेक्ट्रॉन, बताओ बेटा कितने हुए बच्चा पार्टी? है ना, तो यहाँ पर इसके उसमें कितने हुए, वैलेंस शेल में सिर्फ सिक्स इलेक्ट्रॉन होते ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन इन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं। अब इनका हाइब्रिडाइजेशन दो होता है, इनके टाइप्स होते हैं, तो यहाँ दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है, वॉइस क्रैक हो रही है, मैं नेटवर्क चेंज कर लेती हूँ, वेट ना, ओके चलो इट्स ओके। तो एक्चुअली इनके दो टाइप होते हैं, फर्स्ट होता है सिंगलेट, सिंगलेट कार्बीन, ये भी 5 मिनट का टॉपिक है, सिंगलेट कार्बीन। इसमें जो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूं, आप हाइब्रिडाइजेशन देखें, आप मुझे बता पाते हैं कि नहीं बता पाते? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बच्चे कार्बन का? sp दिख रहा है, sp2। बताओ ना कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल दिख रहे हैं? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर कार्बन का क्या हो गया? sp2, राइट है ना? तो हाँ, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी बात, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इट इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, किसमें है? यस और नो, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, यस और नो? अरे बोलो, यस मैम। और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल में है तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यस और नो? ठीक है, अरे बोलो। और लास्ट में अब मुझे बताओ, ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यस, ठीक है, यस। और एक मिनट मैं यहाँ लिख दूं, स्पिन स्टेट वगैरह सब लिख देती हूँ, यहाँ ले आती हूँ इसको, ठीक। हाँ, अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसकी जो स्पिन स्टेट है, या अपन सब टोटल स्पिन तो इसका जीरो हो जाएगा, टोटल स्पिन कैसा हो गया? जीरो। क्यों? एक का प्लस हाफ होगा, भाई दो इलेक्ट्रॉन होंगे, मैं ऐसे बना दूं तो ज्यादा बेटर है, एक मिनट रुकना बच्चों, मैं दो इलेक्ट्रॉन ऐसे बना देती हूँ, एक अप स्पिन और एक डाउन स्पिन, है ना, यस और नो? तो एक का प्लस हाफ और एक का माइनस हाफ, तो टोटल स्पिन क्या हो गया, जल्दी बताओ? जीरो। टोटल स्पिन हो गया जीरो, यस, ठीक है। तो इसमें यहां से मैं हटा देती हूँ, और एक्चुअली जो स्पिन स्टेट होती है, स्पिन स्टेट डू यू नो, किसी को पता है? हाँ, क्वांटम नंबर होता है, स्पिन स्पिन स्टेट इज इक्वल टू क्या होता है, 2s+1। ये अर्शिका से मैं पूछू तो इसको आंसर देना चाहिए, मैंने इसको बताया है, एस क्या होता है, एस इज द सम ऑफ स्पिन नंबर ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सम ऑफ स्पिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एस टोटल स्पिन तो क्या हो गया, जीरो हो गया ना, यस और नो? एस की वैल्यू तो यहाँ जीरो दिख रही है ना, अरे बोलो भाई, है ना? तो स्पिन स्टेट इसका क्या हो गया, वन, ठीक है। एस की वैल्यू जीरो रखोगे तो वन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जल्दी बताओ? ठीक, अब अपन आते हैं, तो सिंगलेट में ये पॉइंट क्लियर हो गए सारे। अब हम नंबर टू आते हैं, ट्रिपलेट स्टेट, कौन सा? ट्रिपलेट कार्बन। इसमें जो होता है कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, क्या होता है? ये H के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, और यहां पर ये पर्पल वाले दोनों प्योर p ऑर्बिटल हैं, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है, राइट?
एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें. अब बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? एसपी. ठीक है, बताओ पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? जल्दी बताओ. पैरामैग्नेटिक. दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, अरे बोलो. yes, ma'am. तो ये कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक. ठीक है, और उसके बाद हमने क्या देखा था? हाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है. और अब हम इसका टोटल स्पिन निकालें, तो टोटल स्पिन बताओ कितना हो जाएगा? टोटल स्पिन एस. देखो इसका भी प्लस हाफ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ होता है ना, और इसका भी प्लस हाफ, तो कितना हो गया जल्दी बताओ? 1/2 + 1/2 = 1, हाँ या ना? yes, और स्पिन yes, स्टेट क्या होता है? That is 2s + 1. तो कितना हो गया? 3 हो गया. Yes or no? ठीक. तो ये है कार्बिन, दो स्टेट होती है. इसमें सिंगलेट कार्बिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है. Yes or no? कोई डाउट? हाँ भाई बच्चा पार्टी. नो मैम. ठीक है. अब ये तो था रिएक्शन इंटरमीडिएट, सारा कंप्लीट हो गया. कार्बो कैटायन, कार्बेनायन एंड फ्री रेडिकल. ठीक है, कोई डाउट? मतलब सिंगल कार्बिन इस वजह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता होगा. हाँ, क्योंकि इसका दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल में होते हैं. ये एक्चुअली मैं आपको एडिशन के टाइम पे बताऊंगी, ये सिन एडिशन देता है. तो अभी सिर्फ इतना ध्यान रख लो कि ये होता है. मैं रिएक्शन मैकेनिज्म जब तक नहीं बताऊंगी ना कि कैसे अटैक करता है, तब तक नहीं आएगा आपको समझ में वो. ठीक है, तब तक नहीं आएगा. ओके, डन, आगे बढ़े. अब देखो, अब अपन आते हैं थोड़ा सा काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन. किसकी तरफ आते हैं? मैं इसी पेज में कर लू ना यार, अगले अलग अलग सेक्शन में क्यों लेके जाऊं, यहीं पर प्रिंट आउट देने में आसान हो जाएगा. नाउ वी कम एट काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन. देखो अब यहां से थोड़ा ध्यान से समझना. अभी तक तो रिएक्शन इंटरमीडिएट था, अब हमको मैकेनिज्म वाला पार्ट आता है. तो यहां काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन देखो, अगर हम किसी भी रिएक्शन को देखें, कोई भी केमिकल रिएक्शन, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, दो टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं. तो मैं सबसे पहले बता देती हूं आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक्स. ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट वो रिएक्शन होती हैं जो सिंगल स्टेप में उसमें हो जाती हैं. एक मिनट, ये डीएनडी पर था, ये कैसे उसमें चला गया? एक मिनट. सिंगल स्टेप रिएक्शन और एक होती है मल्टी कॉम्प्लेक्स, जिनको मल्टीपल स्टेप रिएक्शन. ओके, आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा. सिंगल स्टेप रिएक्शन कौन सी होती है? जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, राइट? हाँ या ना? yes. इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन. क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन. और इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. ओके, एलिमेंट्री रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है. इधर हमने मिलाया, रिएक्ट किया और क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया. ओके, यस और नो? है ना? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन के बारे में. सिंगल स्टेप रिएक्शन, मैं डेफिनेशन ना लिखूं तो चलेगा ना? कंप्लीट इन सिंगल स्टेप, यस और नो? कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप. अब जब ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसमें कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा. ठीक है,
कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा. तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड. ओके, कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा. डायरेक्ट क्या बनेगा, क्या बनेगा, प्रोडक्ट. मतलब रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, सीधे क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना. तो यहां पर एक मिनट, ऐसा होता है कि सपोज दैट ए एंड बी ये दो रिएक्टेंट हैं, ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो पहले इनके बीच में एक पार्शियल बॉन्ड स्टेट आएगी और फाइनली ये जाके क्या बना लेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे. ओके, अब मैं लिख देती हूं, ये क्या है, क्या है, रिएक्टेंट्स हैं. ये इनके बीच में जो पार्शियल बॉन्ड और स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिखा है, ये कहलाती है इनकी ट्रांजिशन स्टेट. क्या कहलाती है, व्हाट इज इट, ट्रांजिशन फॉर्म लिखी, मैंने टीएस लिख दिया था. इट इज व्हाट, इट इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट. ओके, ये जरूर बनेगा एंड फाइनली इट इज प्रोडक्ट. क्लियर, यस और नो. तो इट कंप्लीट्स, देयर इज नो रिएक्शन इंटरमीडिएट, इज दैट क्लियर. हाँ या ना, यस मैम, है ना, यस मैम. अब आफ्टर दैट, एक मिनट, आई थिंक टाइम हो गया और मेरी भी 6:15 से क्लास है, तो